हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा, चैप्टर थर्ड। बच्चों, इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर थर्ड है। कितना है? चैप्टर थर्ड है। और चैप्टर का नाम क्या है? आवर सेंस ऑर्गन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आवर सेंस ऑर्गन। तो ऑलरेडी आज ये हम लोग का वीडियो नंबर 2 है बच्चों। इसके इस चैप्टर में भी हम लोग वीडियो नंबर 1 के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। पहले तो हम लोग ये पढ़े थे कि सेंस ऑर्गन होते क्या हैं। तो बच्चों, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हमारी जितनी भी आसपास की मतलब सराउंडिंग की जितनी भी वस्तुएं, उनको हमारी सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं। चाहे वो आंखें से देख करके, चाहे स्किन से क्या फील करके, या फिर हाथों से मतलब क्या नोज से स्मेल करके, ठीक, या फिर टंग से उसका टेस्ट लेकर के। इस तरीके से हम लोग पढ़ें कि सेंस ऑर्गन क्या होता है और सेंस ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 5 टाइप के। और 5 क्या क्या थे बच्चों? सबसे पहले क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे? आइज, आँख, ठीक। फिर उसके बाद नोज यानी नाक। फिर थर्ड हम लोग का ईयर्स। फिर फोर्थ टंग। फिर फिफ्थ क्या था? स्किन। बच्चों क्या था? यही ना पढ़े थे, आइज, नोज, ईयर, टंग और ये स्किन। चाहे पैर की बात हुई स्किन की, चाहे हैंड की बात हुई। तो हम लोग 5 टाइप के सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़े थे, ठीक। और सभी का मतलब यूज भी पढ़े थे कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके पहले लेक्चर में आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं खूब अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। और बार बार उसको पढ़ाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि एक बार हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप लोग बैक मतलब एकदम रनिंग, एक जो रनिंग होता है ना, वो प्रोसेस तुम्हारा बना रहे, ठीक। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 5 ऑर्गन्स जो होते हैं ये हमारे लिए किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, क्या क्या सहायता करते हैं, ठीक बच्चों। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बच्चों, आपके बुक में चैप्टर में एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज हम उसे करेंगे। उसके पहले कुछ क्विज है। क्विज मतलब होता है क्वेश्चंस, मतलब किसी से कुछ पूछना। तो बच्चों, अब पहले क्विज करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, बस एक्सरसाइज करना बाकी है बच्चों। तो जो आज हम लोग क्विज आपके बुक में लिखा हुआ है, QUIZ क्विज, ठीक। तो बच्चों, हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो क्विज में पहला प्रश्न है, ऐसे पॉइंट करके दिया हुआ है आपके बुक में, कैसे ऐसे करके आपके बुक में पॉइंट करके दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चंस क्या है बच्चों? राइट द नेम्स ऑफ द सेंस ऑर्गन यूज टू, क्या लिखा हुआ बच्चों? राइट, WRITE, राइट द नेम ऑर्गन, क्या बच्चों? नेम ऑर्गन, उस ऑर्गन का नेम लिखना है। मतलब जो हम लोग 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े ना बच्चों, ऑर्गन्स, ठीक है, यहाँ पे यस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग पढ़े हैं ना बच्चों, तो उसमें उन्हीं 5 में से किसी एक का नाम लिखना है, जो जो आपको जिसमें हेल्प करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। ऑर्गन्स यूज्ड टू, किसके लिए यूज होता है? 2 के बाद आपका प्रश्न है। पहला क्या है बच्चों इसमें? पहला प्रश्न है जो आपका, वो पूछा हुआ है हियर। क्या प्रश्न है बच्चों आपका पहला? हियर मतलब सुनने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बच्चों, ये तो बहुत अच्छी तरीके से मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन? आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, इनके बारे में जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। इनके हम लोग यूज भी पढ़े थे, बहुत अच्छी तरीके से यूज पढ़े थे कि क्या चीज़। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है सुनना, यानी हियर मतलब क्या होता है बच्चों? हियर का हिंदी क्या होता है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, सुनना। हियर मतलब क्या होता है बच्चों? सुनाना, सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग सुन रहे हो ना मेरी आवाज़ को, तो वही सुनना, हियर। जैसे मैं बोलूँ आर यू हियर क्लियरली टू मी, मतलब क्या आप लोग मुझे अच्छे तरीके से सुन पा रहे हो, तो हियर मतलब यहाँ पे यही होता है, सुनना। तो बच्चों, जो सुन रहे हैं हम लोग, चाहे आप चाहे मैं, कोई भी चीज़, कोई भी आवाज़ होती है, या कोई भी बोलता है, कोई किसी को बुलाता है, कॉल करता है, तो इसके लिए हम जो सुनते हो, हमारा सुनने में कौन मदद करता है? कान से सुनते हो ना, किसे सुनते हैं हम लोग? कान से सुनते हैं ना, तो वही लिखना है इसका आंसर बच्चों। हियर मतलब सुनना। तो किस ऑर्गन का यूज होता है बच्चों? ईयर का। किसका? ईयर, कान का। कान से हम सुनते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? EAR, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? कान, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ बच्चों सी, क्या लिखा हुआ है सी, एस डबल ई सी, क्या लिखा हुआ बच्चों एस डबल ई सी, मतलब क्या होता है आप लोग को भी पता है सी मतलब क्या होता है बच्चों, और डैश में यहाँ लिखना है किस आर्गन का नाम। तो बच्चों सी मतलब क्या होता है, देखना होता है, क्या होता है देखना। तो बच्चों किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं सी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आप लोग मुझे देख रहे हो ना वीडियो में, देख रहे हो ना मोबाइल में देख रहे हो आप लोग, तो देख रहे हो किस चीज़ से देख रहे हो, किसका यूज हो रहा है, आँख बंद कर लो दिख रहा हूँ क्या मैं, आँख बंद करो सब लोग अपना आँख बंद करो, आई को बंद करो, अब देखो मैं देख रहा हूँ नहीं ना, केवल मेरी आवाज़ को सुनाई दे रहा होगा आपकी कान से, लेकिन मैं अगर देखने की बात करूँ, अब ओपन करो सब लोग अपनी आँख, ओपन, अब मैं दिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब देखने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, इन आँखों का, किसका आँखों का उपयोग किया जा रहा है ना, तो वही लिखना है बच्चों सी मतलब देखना। तो देखने के लिए हम किस आर्गन का उपयोग करते हैं वो लिखना है, तो हम किस आर्गन का उपयोग करते हैं बच्चों आइज का, आइज मतलब आँख का, किसका बच्चों आइज मतलब आँख का, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आइज, ई वाई ई एस, ठीक, यहाँ पे भी यस लगा दीजिए, ईयर्स दो कान है ना बच्चों हम लोग के पास, और यहाँ पे दो आइज है इसलिए यस, ईयर्स नो, और इसका आंसर क्या होगा आइज, मतलब हम लोग देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों आइज का, अपने आँखों का उपयोग करते हैं, ठीक। कहीं डाउन नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, चाहता तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बच्चों आप लोग फर्स्ट क्लास में हो अभी, आप लोग को थोड़ा समझने की ज़रूरत है और हमें समझाने की ज़रूरत है बार बार, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, ठीक, इसलिए मैं बार बार रिकॉल भी कर दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, किस पे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ बच्चों फेल, एफ डबल ई एल फेल, क्या लिखा हुआ बच्चों एफ डबल ई एल फील, मतलब होता है बच्चों महसूस करना, केवल फील करना, जैसे मैं अभी बता दूं आप लोग को, इसका पहले हिंदी लिख दे रहा हूँ, फील मतलब क्या होता है बच्चों महसूस करना, क्या करना महसूस करना। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता दूं, सिंपल सी बात है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग फील क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपको कह दूँ मॉर्निंग वॉक पर आप लोग चले जाओ सुबह सुबह, खासकर ऐसे टाइम में विंटर सीजन में, मतलब जब शीत वगैरह गिरती है वो, ठीक, मॉइस्चर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, तो शीत मान लो हिंदी में आप लोग भी समझ रहे हो, जो छोटी छोटी बूंदें पानी गिरता है सुबह के टाइम में, ठीक, तो आप उस मॉर्निंग वॉक पे मैं बोलूँ कि पैदल, मतलब कोई स्लीपर वगैरह बिना चप्पल पहने जाओ, तो आप देखोगे कि वो जो पानी की बूंदें होती हैं ना, वो आपके पैरों में जब मतलब थोड़ा सा टच होगा तो आपको फील होगा कि हाँ वाटर फील कर रहा है, मतलब क्या कुछ लग रहा है पैर में। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी बोलूँ, आप लोग टब में या फिर मग में आप पानी रखना, और ये हाथ के स्किन से ऐसे टच करना आँख मूंद करके, तो आपको फील होगा कि हाँ मैं कुछ लिक्विड टाइप का टच कर रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं फील करना। तो बच्चों हम लोग पढ़ रखे थे कि फील करने के लिए हमें कौन से आर्गन का उपयोग होता है, तो बच्चों आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, इस हम लोग किस आर्गन का उपयोग करते हैं बच्चों स्किन का, किसका बच्चों स्किन का उपयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एस के आई एन स्किन, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। तो बच्चों हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, किस पे बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चों टेस्ट, क्या है टी ए एस टी ई ई, टी ए एस टी ई, क्या लिखा हुआ है टेस्ट, टेस्ट के लिए बच्चों क्या, टेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों स्वाद लेना, जैसे बोलते ना कि आज का सब्जी मैं टेस्ट किया बहुत ही मतलब टेस्टी था, एक वर्ड यूज करते हैं बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा था, तो हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, मान लो मैं एग्जांपल्स आपको बताऊं, मैं आपको अगर कोई एक मिठाई दे दूँ, मान लो रसगुल्ला दे दिया आप लोग को या गुलाब जामुन दे दिया, तो मैं पूछूँ ये बताओ, मैं अगर आप लोग से पूछूँ ये बताओ मीठा स्वीट है या फिर तीता कैसा है या फिर कड़वा है, तो आप कैसे बताओगे, इसे खाओगे ना, खाओगे तो जाएगा टंग पे जाएगा, तब टेस्ट होगा तो पता चलेगा, आखिर कैसे कोई आप लोग खाना खाते हो, मम्मी कभी दाल में नमक कम पड़ जाता है किसी कारण की वजह से, तो हम लोग कैसे कहते हैं मम्मी आज नमक कम है, या फिर पापा कोई भी बोल देता जो पहले खाता हो, कह देता ना कि आज दाल में या फिर सब्जी में या फिर जो भी चीज़ बनी हुई है इसमें नमक कम है, बोलते हैं ना लोग, तो कैसे,
टेस्ट करके बताते हैं ना, किससे? टंग से। किससे बच्चों? टंग से। तो वही पूछा जा रहा है जो टेस्ट हो। टेस्ट मतलब स्वाद लेना। टेस्ट का हिंदी क्या होता है बच्चों? स्वाद लेना। स्वाद लेना। और ये किससे होता है बच्चों? किस सेंस ऑर्गन से होता है? मैं बार बार अभी बोला, अभी दो तीन बार बोला, इंडिकेट भी है। किससे? टंग से। किससे बच्चों? किससे हम लोग करते हैं? टंग से। स्पेलिंग क्या है? TONGUE। क्या बच्चों? टंग। टंग मतलब क्या होता है? जीभ होता है। क्या होता है? जीभ होता है। ठीक। तो बच्चों अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हमारे फोर टाइप के इस ऑर्गन्स का नाम आ गया। आ गया ना, हेयर, सॉरी ईयर्स, आइज, स्किन, टंग। एक बच्चों आपके क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चार ही पूछा है, चार ऑर्गन्स आ गए। और ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं? फाइव टाइप के होते हैं बच्चों। कितने टाइप के? मैं पढ़ा रखा हूँ ना, ईयर्स, आइज, नोज, टंग, स्किन्स। ये स्किन्स फाइव टाइप के ना। तो कौन कौन आ गए? ईयर्स आ गए, आइज आ गए, स्किन आ गए, टंग आए। लेकिन एक चीज़ नहीं आया बच्चों, फिर भी मैं क्वेश्चंस बना दे रहा हूँ यहाँ पे। बुक में तो नहीं है, बना दे रहा हूँ ताकि हम लोग फाइव टाइप्स ऑफ लिख लें। बच्चों जो नहीं आया उसका मैं पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पे लिख करके। बच्चों क्वेश्चन है आपका स्मेल। क्या बच्चों? स्मेल करना। स्मेल करना मतलब बच्चों सुगंध आना। क्या बच्चों? सुगंध आना। ठीक। तो बच्चों जब कोई चीज़ हमको स्मेल करना होता है, फिर सुगंध लेना होता है, तो बताओ इसके लिए हम लोग किस ऑर्गन का उपयोग करते हैं बच्चों? अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो सोचेगा फाइव टाइप के ही होते हैं। चार तो सर ऑलरेडी बता दिए, पांचवा वही होगा जो बचा हुआ है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ज़रूरत है। दिमाग तो लगाओ। आखिर हम लोग कोई चीज़ स्मेल करते हैं, मान लो सब्जी बनती है, खूब अच्छा स्मेल आ रहा, कहते हैं वाह, ऐसे करते हैं ना, बहुत ही अच्छी सब्जी बन रही है आज घर में, या फिर कोई अच्छा चीज़ बन रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कैसे पता चलता है? ये नाक से पता चलता है ना। ऐसे जब हम नाक में उसकी स्मेल आती है, या फिर मम्मी हम लोग की पूजा पाठ करती हैं, वर्कशिप करती हैं सुबह में उठ के, तो जब वो अगरबत्ती जलाती हैं तो उसके धुआं जो हमारे मतलब स्मोक नाक में आता है, तभी पता चलता है ना, हाँ मम्मी अगरबत्ती जला रही हैं, ऐसा होता है ना। तो किससे पता चलता है ये बताओ? कैसे? नाक से पता चलता है बच्चों। किससे पता चलता है? नाक से, यानी कि नोज से। इसका आंसर क्या है बच्चों इंग्लिश में? नोज। क्या है? NOSE, नोज। नोज मतलब क्या होता है बच्चों? नाक होता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि जितने फाइव टाइप के ऑर्गन्स आप हम लोगों ने पढ़ रखा है, फाइव, और सेंस ऑर्गन होते क्या हैं, इतनी बार आपको क्वेश्चन देखने को अभी मिल जाएगा। अभी तो एक्सरसाइज बाकी है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? क्विज कर रहे हैं। क्विज मतलब होता है जैसे ऐसे बैठा के नॉर्मली किसी से ओरली पूछना कि आज बोलते हैं ना लोग, क्विज कंपटीशन होने जा रहा है। मतलब ऐसे मैं खड़ा रहूँगा, दो तीन लोग ऐसे बैठे रहोगे, मैं पूछूंगा बताओ नेम द टाइप ऑफ ऑर्गन विच अस हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर ये पूछ रहे हैं कि उस ऑर्गन का नाम बताओ जो हमें देखने में मदद करता है। तो आपका मैसेज जिसको खड़ा मतलब जिससे मैं पूछूंगा पर्सनली तुम बताओ, तो वो खड़ा होगा बताएगा सर आइज, मतलब आइज है वो सेंस ऑर्गन। इसी को बोलते हैं क्विज, मतलब ऐसे ओरली पूछना, क्विज कंपटीशन। ठीक। तो बच्चों इसी तरह आपके बुक में कुछ क्विज दिए हुए थे जिन्हें हम लोग बहुत आसानी तरीके से किए। क्या था पहला? हेयर। सुनने के लिए क्या उपयोग होता है बच्चों? ईयर का उपयोग होता है। देखो कितना अच्छा नाम है ना, हेयर एंड ईयर, कितना मतलब रिदम मिल रहा है इनका, राइमिंग वर्ड्स हैं, हेयर एंड ईयर। ठीक। सी, सी मतलब देखना, किससे देखते हैं? आइज से। फील करना, महसूस करना, किससे? स्किन से करते हैं। टेस्ट करना, टेस्ट करना मतलब बच्चों स्वाद लेना, टंग से करते हैं, जीभ से। और लास्ट इज व्हाट? स्मेल मतलब सुगंध लेना, किसी चीज़ का स्मेल करना, वो उससे वो किससे पता चलता बच्चों? नोज से। किससे पता चलता है? नोज से। तो बच्चों ये आपका क्विज था, चैप्टर के जो एंड में दिया रहता है। अब बच्चों मेनली हम लोग को एक्सरसाइज करना है। आज हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एक्सरसाइज करना है। हमारा मेन मोटिव यही है, एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे एकदम अच्छी तरीके से, फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इतना आप लोग राइट डाउन करो, फिर अभी मैं आगे आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। इतना राइट डाउन करो।
ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग फाइव टाइप ऑफ आर्गन्स के समझ लीजिए कह सकते हैं यूज भी पड़े, क्योंकि यहाँ पे यूज ही तो शो कर रहा था कि किसका क्या उपयोग है। हाँ, यही तो हम लोग पढ़े हैं ना। तो वही बच्चों मैं कहना चाह रहा था कि ये जो हम लोग फाइव टाइप ऑफ आर्गन्स को स्टडी किए पढ़े, उसके हम लोग समझ लो यूज भी देखें। क्या किए बच्चों? यूज भी देखें। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्या बच्चों? वो वाला एक्सरसाइज नहीं जो मॉर्निंग में करते हैं, यहाँ पे बुक के बारे में एक्सरसाइज करना जो पढ़े हुए। ठीक, क्या करते हैं बच्चों? EXERCISE, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना। जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ए यानी पार्ट है ना, हर एक एक्सरसाइज का पार्ट वाइज होता है। ये ए पार्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं, कौन सा पार्ट है बच्चों? ए पार्ट है। तो बच्चों ए पार्ट में करना क्या है, पहले आपको तो ये समझ में आना चाहिए ना कि करना क्या है। क्वेश्चंस का आंसर देना है या फिर फिलअप करना है या फिर टिक करना है, क्या करना हो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको टिक करना है। क्या करना है? टिक करना है जो करेक्ट ऑप्शन है। थ्री ऑप्शन आपको दिए गए हैं और प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जिस हिसाब से भी मैं यहाँ रीड करूँगा उसे पढ़ूंगा, आप उनमें से देख देख करके उसको टिक करोगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। ठीक, उसका आंसर कौन सा सही है उसे आप उसे क्या करोगे? टिक कर दोगे। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो करना क्या है वो लिखते हैं पहले। ट्रिक क्या करना है बच्चों? मैं ऑलरेडी बताया हूँ, टिक करना है, TRICK। क्या है बच्चों? ट्रिक करना है। और कैसे? ऐसे यहाँ पे दिखा भी दिया है, गया है सिंबल। ठीक, टिक करना है, TICK है, RI नहीं। ठीक, TICK, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों? द CORRECT, करेक्ट, OPTION, करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे टिक करना है। ठीक, समझ में आता है यहाँ तक? तो वही बच्चों, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है बच्चों? वी शुड, क्या लिखा हुआ है? वी शुड, वी SHOULD, वी शुड वॉश आवर आईज। क्या लिखा है बच्चों? वी शुड वॉश आवर आईज, वी शुड वॉश आवर आईज विथ वाटर, विथ वाटर। बच्चों पहले हम लोग क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, ठीक, उसके बाद समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और समझाने के लिए एक अच्छा टाइम होना चाहिए। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख लूँ। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? पहला ऑप्शन है आपका ट्वाइस ए डे। क्या लिखा हुआ है? Twice a day लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है TWICE, twice a day। और ऐसे बॉक्स बना हुआ है, क्या हुआ बच्चों? ऐसे बॉक्स बनाया गया है, उसमें आपको ट्रिक करना है जो ऑप्शन सही है। ठीक, फिर बी ऑप्शन क्या है बच्चों? देखते हैं, बी ऑप्शन है आपका वंस ए डे। क्या लिखा हुआ बच्चों? वंस ए डे, VONCE, वंस ए डे। ठीक, फिर बच्चों बॉक्स बना हुआ है, क्या है? बॉक्स बना हुआ है। ठीक, अब बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है? नन। क्या लिखा हुआ बच्चों? नन लिखा हुआ है, नन मतलब कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। नन का हिंदी होता है जो दिया गया है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बच्चों पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना, तो समझ लीजिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आधा आप जान चुके हैं। सबसे पहला पार्ट यही आता है कि अगर आप प्रश्न समझ गए तो समझ लीजिए बहुत कुछ समझ गए आप उसमें, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आंसर दोगे, रिप्लाई करोगे। तो वही समझते हैं, लिखा हुआ है बच्चों वी, वी मतलब हम लोग, शुड मतलब चाहिए। क्या कह रहा है? चाहिए। शुड मतलब क्या होता है? चाहना। आप इंग्लिश पढ़ोगे तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, सेल का, शुड का, विल का, वुड का, ये सब क्या है बच्चों? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो शुड है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए क्या? वाज आवर आईज विथ वाटर, वास, WASH है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, WASH। वी शुड, हमें चाहिए, वास मतलब धोना चाहिए, क्या? आवर आईज को, अपने आँख को, विथ वाटर मतलब पानी से। बच्चों ये सबको पता है कि सबको अपनी आंखों को वाटर से यानी पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए, तो सबको पता है। ये कह भी रहा है क्वेश्चंस में यही
कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आँखों को पानी से धुलना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी से धुलना चाहिए। अब ऑप्शन ये दिया हुआ है, क्या एक दिन में दो बार धुलना चाहिए? दूसरा ऑप्शन है, क्या एक दिन में केवल एक ही बार धुलना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है नन। नन मतलब होता है जो ऑलरेडी आपको दोनों ऑप्शन दिया गया है, कोई नहीं। अगर कोई नहीं, मान लीजिए पहला भी नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, तब आप तीसरे में टिक करेंगे। मतलब नन मतलब इनमें से कोई नहीं, नन मतलब यही होता है हिंदी, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो जो ऑलरेडी आप प्रीवियस में पहले ऑप्शन पढ़ चुके हो उनमें से कोई नहीं, इसका हिंदी यही होता है। तो बच्चों, क्या आपको लग रहा है कि हमें दिन में कितनी बार धोना चाहिए? दो बार धोना चाहिए कि एक बार धोना चाहिए, कि जो दोनों दिया हुआ कुछ नहीं इनमें? तो बच्चों पता है हमको दो बार तो धोना ही चाहिए। कितनी बार मिनिमम बच्चों? दो बार एक दिन में तो हमें आँख धुलना ही चाहिए। धुलना चाहिए नहीं धुलना चाहिए? एक दिन, एक बार धुलने से क्या होता है, सुबह उठ गए धुल गए, फिर कहीं घूम टहल के आए, मुँह धुले ही नहीं, वैसे ही रहोगे, नहीं ना? तो बच्चों हमें कितनी बार धुलना चाहिए? मिनिमम तो टू टाइम्स धुलना ही चाहिए। तो बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए डे, एक दिन में दो बार। ठीक बच्चों, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, उसमें क्या है बच्चों लिखा हुआ है? दिस सेंस ऑर्गन टेल्स अस, क्या लिखा हुआ बच्चों? दिस एस ई एन एस ई सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स ऑर्गन टेल्स अस, टी ई एल एस टेल्स अस डैट, टेल्स अस डैट रोज इज रेड। अभी हम समझा रहे हैं बच्चों, रोज इज रेड पहले लिख लिया अच्छे तरीके से, लिखने का काम खत्म हो जाए ताकि। ठीक, रोज इज रेड। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? लिखा हुआ पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ आपका ईयर। क्या बच्चों? ईयर। और फिर क्या किया गया है? बॉक्स को ऐसे बना दिया गया है। क्या किया गया है? बॉक्स को ऐसे बना दिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बच्चों सी वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक, मैं ऐसे नोट कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या दे हो बच्चों? आई, ई वाई ई, आई मतलब आँख, ऐसे बॉक्स है। और चौथा, तीसरा क्या है? टी ओ एन जी यू ई, टी ओ एन जी यू ई। अब बच्चों ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। आप लोग छोटे छोटे हो ना, बहुत छोटे छोटे हो, फर्स्ट में हो, तो बच्चों आपको समझाने की ज़रूरत है हमें, हम समझा रहे हैं। और अगर इसके बावजूद भी कोई बच्चा नहीं समझ में पा रहा है तो मैं ज़रूर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, उसकी मत गलती दीजिए। एक्चुअली ऑनलाइन सडन हुआ है, कोई जानता था क्या इसके पहले कि ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा? नहीं ना, हम लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, बड़े हो गए हम लोग, लेक्चर वगैरह देखते रहते हैं, बट छोटे छोटे बच्चों के लिए कभी कोई नहीं सोचा था। तो इसके लिए बच्चों मैं आपसे बोलूँगा, बच्चों से और पेरेंट्स से भी, कि आप उनका हेल्प करिए, बैठिए एक घंटा, जितने मिनट का, कितना ज़्यादा ज़्यादा 45 मिनट 30 मिनट इतना ही बनाता हूँ, उससे अधिक नहीं वीडियो, तो आप उनको ज़रूर इतना टाइम दीजिए जैसे आप रोज़ उन्हें पढ़ाते थे खुद बैठ के। अब ये वीडियो के साथ उन्हें पढ़ाइए कि आप भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा और उनको ये सिखाते रहिए। ठीक है, तो बच्चे लिखा हुआ है दिस सेंस, कौन सा सेंस? दिस सेंस ऑर्गन्स टेल्स अस दैट रोज इज रेड। बच्चों मैं मान लो ये रोज है, रेड कलर का है भी, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो आप लोग यहाँ रेड की बात कर रहा है ना, हमारे पास रेड कलर का मार्कर है। मान लो ये रोज है, गुलाब है, मान लो क्या है, रोज है, गुलाब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे आप कैसे बताएं कि ये रेड है, किससे कैसे पता चला आपको रेड है? आँख से देखे हो ना, आँख से देख के बता रहे हो ना बच्चों, कि कान से, जैसे आँख मूंद लो, अब मैं बताओ, आँख मूंदो सब लोग पहले, चलो बताओ ये किस कलर का है? कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, ठीक, कोई देखेगा नहीं, नहीं देख बता पा रहे हो ना आँख मूंद के, किससे देख रहे हो? अब मैं पूछे ये बताओ, तो आप देख के तुरंत कह रहे हो सर ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर। उसी तरह बच्चों आपको क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि जो रोज होता है वो रेड कलर का होता है, मान लो यही रोज है, रेड कलर है, आप इसे कैसे बताएं कि ये रेड कलर का है? आँख से देखे ना बच्चों, किससे देखे? आँख से, कि नोज से देखे, नहीं ना, किससे देखें हम? आँख से देखें। तो वही बच्चों पूछा जा रहा है कि जो रेड कलर का रोज होता है वो हमें किस ऑर्गन से पता चलता है कि ये रेड कलर है?
तो किस ऑर्गन से पता चलता है बच्चों? ये हमें आईज से पता चलता है। किससे बच्चों? आईज से। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ है। बच्चों पहले उसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये लिखा हुआ है, इट हेल्प अस। क्या लिखा हुआ बच्चों? इट हेल्प अस टू फेल। अभी हम समझाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, देखते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? पहला ऑप्शन है आपका स्किन। क्या दिया हुआ है? स्किन। स्किन मतलब तो अच्छा। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हैंड। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ। क्या होता है बच्चों? हाथ। सी ऑप्शन यानी बोथ, दोनों। बोथ मतलब यहाँ कहने का मतलब है बच्चों, ये जो ऑप्शन ऑलरेडी ए और बी, यहाँ जो बोथ कह रहा है इसका मतलब ए और बी अगर दोनों सही है तो मारो टिक दोनों पे। ठीक, तो बच्चों यही पूछा जा रहा है क्या कि क्वेश्चंस क्या, पहले समझ लेते हैं। इट मतलब सहायता करता है, इट मतलब ये जिसकी बात किया जा रहा है, इन जो ऑप्शन दिया हुआ है। हेल्प अस टू फील, फील करने में हमें क्या मदद करता है, क्या मदद करता है बच्चों? पहला ऑप्शन है स्किन यानी त्वचा से, या फिर हैंड हाथ से, या फिर दोनों, बोथ। बोथ मतलब दोनों। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक्चुअली तो हम लोग स्किन से ही डिटेक्ट करते हैं। मैं भी बोला ना मॉर्निंग में वॉक करने जाओ, आपके बुक में यही लिखा था, आवर स्किन हेल्प अस टू फील। तो उसमें एग्जांपल यही दिया था क्या कि हम लोग वॉकिंग करने जाते हैं तब ऐसा होता है। तो बच्चों अगर एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो फील करने की मतलब ऑर्गन्स हैं वो केवल स्किन से होता है, हाथ से नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ पाँव अपने मतलब लेग में, तो वहाँ भी स्किन होता है जो नीचे ऐसे होता है ना, ऐसे चलते हैं। तो मेनली देखा जाए हमें स्किन से फील होता है, ना कि हाथ से, नहीं तो पैर से भी तो हो जाएगा उसका आंसर, नहीं ना? तो बच्चों अगर मेनली देखा जाए हमें कोई चीज़ फील करना है, क्या करना है? फील करना है। तो वो किससे मेनली करते हैं बच्चों? स्किन से करते हैं। किससे करते हैं? स्किन से करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्किन पे ऐसे टिक कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? ऐसे टिक कर देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा किस लिए रहा हूँ, डाउट आने के लिए नहीं ना? कोई समस्या नहीं ना है, नहीं ना? तो इस तरीके से हम लोग टिक वाले में थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस को देखें। कितने टाइप्स के बच्चों? थ्री टाइप्स के। पहला क्या था कि हमें दिन में कितनी बार आँख धुलना चाहिए? तो बच्चों मिनिमम तो टू बार। कितना बार? टू, ट्वाइस इन ए डे, या फिर ट्वाइस ए डे, पहला ऑप्शन सही था। दूसरा है, दिस सेंस ऑर्गन टेल्स डैट रोज इज रेड। मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जो हमें ये बताता है कि रोज रेड कलर का होता है? तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, हमारा कौन सा ऑर्गन बताता है? आइज, हमें आँख बताती है कि रोज रेड कलर का है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? इट हेल्प अस टू फील, मतलब हमें फेल कौन कराता है? तो बच्चों मैं पहले ही बोला ये हमें स्किन फेल कराती है। क्या कराती है बच्चों? हमारी स्किन फेल कराती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए यानी कि स्किन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इतना राइट डाउन करो फिर अभी आगे बताता हूँ।
ए पार्ट देखे इस एक्सरसाइज का कि ये कौन कौन सी चीज़ें टिक करना था, जिसे हमें क्या करना था, ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्या करना था, चूज करके करेक्ट करना था, टिक करना था, निशान लगाना था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसे देखें, क्या बच्चों की ये देखें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी एक्सरसाइज के पार्ट नंबर बी। पार्ट वाइज पढ़ रहे ना बच्चों, ए पार्ट पढ़ चुके, अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट बी के बारे में। किसके बारे में, पार्ट बी के बारे में। ठीक, पार्ट बी क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन बॉक्स। क्या बच्चों, गिवन इन बॉक्स। बच्चों क्वेश्चन से कह रहा है कि अभी हम कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें फिलअप करना है, और किसको किसको फिलअप करना है, जो बॉक्स में यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। क्या किया गया बच्चों, जो बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, ऐसे एक बॉक्स बनाया गया है आपके बुक में ऐसे। ठीक है, इन्हीं वर्ड जो जो दिया गया है इन्हीं को फिल करना है। वर्ड क्या क्या है बच्चों, लिख दे रहा हूँ मैं, स्किन लिखा हुआ है, क्या है स्किन, दूसरा क्या है नोज लिखा हुआ है, क्या बच्चों नोज, तीसरा क्या है ईयर्स लिखा हुआ है कान, पांचवा क्या है चौथा टंग लिखा हुआ है, और लास्ट इज व्हाट, आइज लिखा हुआ है, क्या बच्चों ई वाई ई एस आइज। ठीक, इस तरीके से बॉक्स दिया गया है। ठीक बच्चों, आपके बुक में इस तरीके से बॉक्स दिया गया है, इन्हीं बॉक्स में से सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चंस में करना है। क्या करना बच्चों, क्वेश्चंस में करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। किस पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहले बॉक्स दिया हुआ है, मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करना, क्वेश्चन क्या था, फिलअप करना है ना, फिल करना है, तो ऐसे खाली स्पेस फिल इन ब्लैंक दिया हुआ है, लिखा हुआ हेल्प्स, एच ई एल पी एस, हेल्प्स अस टू स्पीक, मतलब ये हमें बोलने में सहायता करता है। किस चीज़ में बच्चों, यही पूछा जा रहा है, किस चीज़ में सहायता किया जाता है, बोलने में हमें सहायता करता है, क्या हम किससे बोलते हैं बच्चों। मैं एग्जांपल आपको बताया था अभी जब पढ़ा रहा था लेक्चर, मतलब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था आप लोग को, तो बताया था कि जैसे एग्जांपल ऐसे जीभ पकड़ लो, जीभ पकड़ लो सब लोग, अब बोलने की कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब ये तो हमें पता चला कि हमें जीभ ही मदद करती है, क्योंकि अगर ये पकड़ लिए नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब हमें सहायता कौन कर रहा बोलने में, हमारी टंग। क्या बच्चों, हमारी जो टंग है जीभ है वही हेल्प कर रही है ना हमें बोलने में। इसका मतलब जो हमारी टंग है वो हमें स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अपने मुँह से आपको बोल रहा हूँ, और कैसे हो, हाउ आर यू, फाइन, एंड यू। ठीक, तो बच्चों कौन मदद कर रहा है, टंग, हमें बोलने में कौन हमारी मदद कर रहा है बच्चों, टंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंग। तो इसे हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे फिलअप कर देंगे, टी ओ एन जी यू ई, टंग। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों, डैश, ठीक, ऐसे डैश करना है ऐसे, और क्या करना है, हेल्प अस टू हियर, एच ई एल पी, हेल्प अस टू हियर, हियर मतलब सुनना। तो बच्चों हमें सुनने में कौन मदद करता है, कौन मदद करता है किसी चीज़ को, हियर। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यही सब किए हैं, ईयर्स, ईयर्स जो होते हैं बच्चों हमें सुनने में मदद करते हैं, क्या करते हैं, सुनने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ए आर एस, ईयर्स मतलब दो कान है ना, इसलिए एस लग गया। ठीक, तो हमें क्या करते हैं बच्चों, सुनने में मदद करते हैं। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, डैश हेल्प अस टू स्मेल, ऐसे डैश दिया हुआ बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल सा है, हेल्प अस टू
स्मेल, मतलब हमें कोई भी चीज़ स्मेल करने के लिए, सुगंध लेने के लिए कौन सी चीज़ हेल्प करती है बच्चों? सबको पता है हमारी नोज, नोज मतलब नाक। हमारी नाक किस में हेल्प करती है बच्चों? स्मेल करने में, किस में? स्मेल करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नोज हो जाएगा, NOSE नोज, नोज मतलब नाक हो जाएगा। ठीक, अब लो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 पे ऐसे डैश लिखा है, लिखा हुआ है हेल्प अस टू वॉच टीवी, HELP हेल्प अस टू वॉच टीवी, WATCH वॉच टीवी। ठीक, सिंपल सा लिखा हो बच्चों, हमें टीवी देखने में कौन सी आर्गन मदद करती है? कौन सी आर्गन बच्चों? हम कैसे टीवी देखते हैं? जैसे आप लोग भी समझ लो टीवी देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, मोबाइल में समझ लो टीवी देख रहे हो, तो कैसे देख रहे हो? आँख से देख रहे हो ना, किसे देख रहे हो? अपने आइज से देख रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइज, EYES, आइज मतलब आँख हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक करेंगे, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश हेल्प अस टू फील, क्या बच्चों? डैश ऐसे HELPS हेल्प अस टू फील। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन ये है, हमें फील करने के लिए कौन से हमारी सेंस आर्गन हेल्प करती है? तो बच्चों फेल करने के लिए मैं बार बार बोला, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया, बार बार सभी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो फेल करने के लिए हमारी कौन सी सेंस आर्गन हेल्प करती है? स्किन। क्या बच्चों? स्किन हेल्प करती है हमारी। ठीक, SKIN स्किन, स्किन हमारी क्या करती है बच्चों? इस फेल करने में हेल्प करती है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, इससे अधिक नहीं, ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, बट एक्सरसाइज था इसलिए थोड़ा कर दिए। तो आपको इतना कर लेना है घर पे, जितनी सारी चीज़ें बताया हूँ, आपको कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, आपके बुक में ऐसे सारी चीज़ें दिया हुआ है ऑलरेडी, जितनी सारी चीज़ें बताया हूँ यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें दिया हुआ है, उसे आप पेंसिल से क्या करेंगे? फिलअप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिलअप कर लेंगे। ठीक, तो कुछ नहीं, बस आपके लिए हम छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, यही होमवर्क है क्या जो अभी बोला हूँ, जस्ट अभी बोला ना, जस्ट क्या होमवर्क आपका यही है, आज जितना पढ़ाया हूँ उसे आप सारा पेंसिल से फिल कर लेना। क्या बच्चों? पेंसिल से फिल कर लेना। ठीक, सारा उठाना, अपने मन से भी कोशिश करना, और जब नहीं कर पाना तो जैसे पढ़ाया हूँ वैसे ही समझ समझ के फिल करना। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।